अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्डर MER और NER के लिए और ओपन रैली आपके एरिया में चल रही है तो आप इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो उसी के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइज़, इसके लिए आप बाई कर सकते हैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बेस्ट बुक है, तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए हैं MER और NER के लिए, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से इन बुक से क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। स्वागत आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 12 के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने टोटल 11 एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बनाए थे पिछली बार जब आपके एग्जाम हुआ था, तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 12 नंबर अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 11 प्रैक्टिस सेट हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो 11 प्रैक्टिस सेट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा उनका लिंक, तो वहाँ से आप उन सभी को देखो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग पहले उनको देख चुके होंगे, तो उनको भी देखना है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है आपका कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, साथ में कुछ चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी वो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ फिर से वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रही हैं आपको। तो एक बार उनको ज़रूर से फिर से देख लेना, सारे के सारे आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पर बना रखी है और आप 12 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू आगे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस तरीके से आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तभी बात करते हैं। और कुछ लोग अभी पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर रागा का क्या होगा, तो उसका भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इंग्लिश का देखते हैं पहले, तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो इन द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन, यानी कि आपको सिनोनियम बताना है। तो फर्स्ट वर्ड आपके पास में है, देखिए, कंटेंकर्स, ठीक है ना। कंटेंकेरियस जो वर्ड है आपका, इसका पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। उसके लिए देखिए, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके सोच लो, क्योंकि मैं तो अभी पॉज करूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अभी आप क्या करो, इसको देखो और इसके आंसर आप खुद ही नोट करो। देखो, प्रैक्टिस सेट है तो आपको आंसर सोचना है, इसको सिर्फ देखना नहीं है। देखने से कुछ याद नहीं होगा, आप अपना एफर्ट लगाओ। ओके, चलिए, आपने देख लिया होगा आराम से, तो अभी मैं इसका अर्थ बता देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, कंटेंकेरियस क्या होता है, झगड़ालू होता है, ठीक है ना। झगड़ालू आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे चिड़चिड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड हमें चाहिए, सिमिलर चाहिए। एमिकेबल क्या होता है, ये मैत्रीपूर्ण होता है, ठीक है ना, मैत्रीपूर्ण। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई फ्रेंड है आपका, तो वो एमिकेबल है आपसे, फ्रेंडली है, तो ठीक है ना। बिब्लियोफिल आपने सुना होगा, बिब्लियोफिल होता है जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि पुस्तक प्रेमी आप इसे कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे रूट वर्ड यूज हुआ है। देखिए, जब भी आपको यो बिब्लियो वर्ड मिले ना, तो यहाँ पे समझ लेना कि किताबों की बात होगी। ओके, और यहाँ पे जो फिल है, फिल जो है हमेशा प्रेम यानी कि प्यार से रिलेटेड होता है। कहीं पे भी जैसे बिब्लियोफिल है, और इसके अलावा अगर मानिया, बिब्लियो मानिया लगा दिए, तो मानिया जो है ये इससे क्या होता है, लगाव होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो इस तरीके से फिल जो वर्ड है ये प्यार से रिलेटेड होता है। कहीं पर भी लास्ट में फिल मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड करेगा, प्यार से या प्रेम से। और बिब्लियो वर्ड किताबों के लिए होता है। उसके देखिए, क्वारलसम, देखिए क्वारलसम यह आपको पढ़ा हुआ वर्ड होगा, तो ये होता है कलह प्रिय या झगड़ालू। तो सेम वर्ड हमें चाहिए था, तो ये हमें मिल गया कलह प्रिय, इसका मतलब होता है झगड़ालू, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब जेनियल आपके पास में है, इसका मतलब होता है हसमुख या प्रसन्नचित, तो हसमुख में इसका लिख देता हूँ। तो ये हो गया, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, ये हो आपका सही हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अपोजिट इन मीनिंग आपको बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है। एक्वाइटल आपके पास में वर्ड है, और वीडियो पोज करके आप सोचो कौन सा ऑप्शन आपके लिए आंसर होगा, ठीक है ना। एक्सोनरेशन पहला वर्ड है, कंडमेंशन पहला सेकंड वर्ड है, और कन्वेक्शन थर्ड वर्ड है, और कैस्टिगेशन यहाँ पे फोर्थ है। तो कौन सा आंसर होगा, यह देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका। सबसे पहले तो हम इसका मतलब जानते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा ये मैं आपको बताऊँ। इसका मतलब आपके पास में होता है, जो आपका वर्ड है एक्वेटल, इसका मतलब होता है रिहाई, रिहाई, ठीक है ना। उसके बाद में जो फर्स्ट वर्ड है एक्जोनरेशन, एक्जोनरेशन का मतलब होता है दोष मुक्ति या छुटकारा, ठीक है ना। दोष मुक्त आप किसी को कह रहे हो या छुटकारा दे रहे हो उसके, ठीक है ना, ये मतलब। उसके बाद देखिए, कंडमनेशन, कंडमनेशन आपके पास में क्या होता है, मृत्यु दंड या दंड आदेश, ठीक है ना, मृत्यु दंड, या आप इसे दंड आदेश भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है विश्वास आस्था, या किसी पे दोष सिद्ध हो जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड इससे रिलेटेड है, तो किसी को आप इसे कह सकते हैं दोष सिद्ध, ठीक है ना,
दोष सिद्ध हो गया उस पर कि ये प्रूफ हो गया कि ये दोषी है। उसके बाद देखिए कैस्टिगेशन होता है, इसका मतलब होता है दंड या डांटना फटकारना, इसका मतलब भी दंड होता है। तो देखिए हमें इसका अपोजिट चाहिए था, तो रिहाई, इसका जो अपोजिट जो है आपके पास में जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, दोष मुक्त, ठीक है ना। सॉरी इसका आंसर जो है मैंने इसका सिमिलर के हिसाब से दे दिया, सिमिलर इसका देखिए दोष मुक्त है, ये रिहाई है, तो ये जो है इसका सिमिलर है ए ऑप्शन। और इसका जो एंटोनियम हमसे पूछा है यानी कि अपोजिट इन मीनिंग, वो हो जाएगा कन्वेक्शन यानी कि दोष सिद्ध। एक तो ये हुआ कि किसी को रिहा कर दिया कोर्ट ने जैसे सोचो, और एक हो गया जिसपे दोष सिद्ध हो गया, तो उसको रिहा नहीं किया जाएगा, तो ये उसका जस्ट अपोजिट है, तो कन्वेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, वो मेरे को ध्यान रह गया कि अपोजिट नहीं सिमिलर, ठीक है ना, मैंने बोला भी था वैसे अपोजिट, लेकिन ऐसे आंसर हो गया, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको वर्ड इज गिवन सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन फ्रेज, तो इस फ्रेज का बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइंग इन वार, ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइंग इन वार, तो यहां पे आपको बताना है। और आई होप आपने सोच लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो इसका मतलब होता है, पहले तो आपको बता दूं, युद्ध में जो जासूसी देने का जो अभ्यास है ना वो होता है, यानी कि जो जासूस होते हैं उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइंग, स्पाइंग जो होते हैं जासूस होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड हो जाएगा ये आपके पास में बी ऑप्शन हो जाएगा। एस्पायोनेज का मतलब जो है आपके पास में वो क्या होता है, जासूस होता है, तो इसका जो है वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में है फाइंड ईडियम फ्रेज, ठीक है ना। फाइंड ईडियम फ्रेज आपको बताना है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है ना, मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये फ्रेज है, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है ना, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना, गलत कौन सा इसमें से बताना है। तो ये देख लीजिए, कॉम्युलेटिव, किटन और इंडियबल और जस्टिफाइड, तो कौन सा गलत है इनमें, देखिए आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन जो है सफॉल्ट करके लिखा गया, बी पहले है, ए बाद में है, डी ऐसी है, तो ये थोड़ा सा नोटिस कर लेना आंसर देते वक्त, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड लिखा गया है आपके पास में आई एन ई डी आई ए बी एल ई, तो ये गलत है। यहाँ पे जो सही हो जाएगा आई एन ई डी आई बी एल ई, ठीक है ना, इडिबल, इडिबल क्या होता है, खाने योग्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉम्युलेटिव, तो कॉम्युलेटिव क्या होता है, यहाँ पे संचय या जुड़ने वाला। किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा होता है। और जस्टिफाइड क्या होता है, आपके पास में नाय होता है, ठीक है ना, जो खाने योग्य नहीं है, इन ईडिबल है, सॉरी ये, तो ईडिबल तो क्या होता है, खाने योग्य, और इन ईडिबल है ये, आई एन लगाओ इसमें, तो ये खाने योग्य नहीं हो, जो खाने योग्य नहीं हो, इन ईडिबल, ईडिबल खाने योग्य, तो ये ध्यान रख लेना, इसका मीनिंग हो गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग चेक करना था, डी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है, क्वेश्चन 6 to 10 तक आपको जो है मोस्ट सुटेबल वर्ड बताना है फिल इन द ब्लैंक में। पहला है आपके पास में यू शुड स्टार्ट ब्लैंक, यू आर लाइकली टू मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे देखना है इंडीड अदरवाइज इनफैक्ट और कॉन्सिक्वेंटली, ये बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो गाइज आई आपने देख लिया होगा आंसर, इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा अदरवाइज। यू शुड स्टार्ट, तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा यू आर लाइकली टू मिस द ट्रेन, तुम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द हवेकर्स आर सेलिंग देयर ब्लैंक इन द स्ट्रीट्स, हवेकर्स क्या होते हैं, जो आपके गलियों में देखा होगा अपनी आवाज लगा करके अपना सामान बेचते रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हवेकर्स। यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा आएगा, आप देख सकते हैं वायर, वियर्स और वार्न और वियर, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वियर्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है माल, जो उनका माल है, जो भी उनके पास में है उसके जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सी कैन नॉट पार्ट ब्लैंक हर मदर बिकॉज सी इज कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन हर, ठीक है ना। इसमें देखो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, देखो इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने आंसर पता कर लिया होगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रॉम। देखिए जब भी आपको किसी पर्सन से अलग होना हो, यानी कि लिविंग थिंग से अगर आप अलग हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना है। और अगर आप किसी नॉन लिविंग, जैसे किसी वस्तु से आपको बहुत लगाव, जैसे आप स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा लगाव करते हो, बहुत ज़्यादा साथ में रखते हो, अगर आप उससे अलग हो रहे हो, तो उसके साथ में हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का, क्योंकि लिविंग है। और सबसे पहली बात, मैन से अगर अलग हो रहे हो किसी मैन से, सी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है ये याद ही रख लेना, विद जो है नॉन लिविंग के लिए और फ्रॉम लिविंग के लिए, लेकिन फ्रॉम किससे, किसी पर्सन से जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, और विद जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो और उससे अलग हो रहे हो किसी वस्तु से, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट पुट ब्लैंक अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सुना होगा, इसका मतलब भी होता है कल पर कोई काम ना छोड़ो, काम आज का करो, अभी ऐसे एक फ्रेज सुना होगा, डोंट पुट अप जो भी है, डोंट पुट अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ, डोंट पुट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी काम आप कल पर मत छोड़ो, ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फादर ब्लैंक वरी आई एम ए वेरी केयरफुल ड्राइवर, ठीक है ना, नीड नॉट नॉन, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए वैसे तो, लेकिन पहले दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट और कैन नॉट। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आराम से सोचो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको, ए ऑप्शन हो जाएगा, नीड नॉट, योर फादर नीड नॉट वरी अबाउट इट। जैसे आपने सुना होगा एक फ्रेज, आप बोलते हैं डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल दिस मैटर, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जो प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पे वो नीड नॉट होगा, तो ये फ्रेज आपके पास सही हो जाएगा, नीड नॉट, तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को कैन लग रहा हो तो कैन कैपेबिलिटी के लिए आता है, तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे गाइस देखिए, डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन 11 टू 13 के लिए, विच पार्ट हैव एरर, कौन से पार्ट में एरर है, 11 से 13 तक तीन क्वेश्चन एरर के आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ इसमें पैसेज शामिल नहीं है, क्योंकि पैसेज करने में बहुत टाइम लगता है और वो आपको पढ़ना है फिर समझना है, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन तो ले रहा हूँ लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, जैसे वोकैबुलरी के दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए मैंने, एरर के दो की जगह तीन कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन आर इनकम्पिटेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या एरर है, ओके। तो आप आराम से देखो, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आप देखिए आर है, आर की जगह पे आपको ईज लगाना, क्यों, देखिए एवरी वन है, आपको पता है ईच एवरी वन, तो इनके साथ में जो है हमेशा सिंगुलर चीज आते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आपको लगाना था तो ईज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। इसमें भी गाइस आपको आंसर मैं बता देता हूँ, आपने देख लिया होगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हैव जो है इसकी जगह पे हैज यूज करना है, क्यों यूज करना है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, नाइदर और आइदर, देखिए अगर सिर्फ नाइदर अकेला यूज हो रहा है या इधर अकेला यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा सिंगुलर यूज करना है, लेकिन इधर या नाइदर नोर के साथ में यूज हो रहा है और इधर और के साथ में यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका। उसके बाद देखिए, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, तो आई होप आपने देख लिया होगा, 13 में जो आंसर हो जाएगा वो भी यहीं पे हो जाएगा हैज। देखिए द कंपनी, कंपनी एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, उसको सिर्फ एक ही कंपनी की बात हो रहा है तो यहाँ पे प्लुरल नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। अगर कंपनी के मेंबर की पर्टिकुलरली बात करता तो यहाँ पे प्लुरल होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपनी की बात कर रहा है तो कंपनी के लिए यहाँ पे सिंगुलर लगाना है। अगर यहाँ पे द नहीं होता, कंपनीज होता, तो इस प्रकार से कुछ और सोचा जा सकता था, लेकिन एक स्पेशल कंपनी की बात कर रहा है, क्योंकि द क्या करता है, एक विशिष्ट चीज़ के बारे में बात करता है तभी द आर्टिकल लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेफिनेट चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेट है, तो यहां पे कंपनी के साथ में है जाएगा। ओके, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 14 से 15 क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन जो है इनमें अंडरलाइन किए गए वर्ड को आपको बताना है कि इनकी जगह पे कोई और बेस्ट सूटेबल आ सकता है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन स्टूडेंट डोंट हैव टाइम टू रीड नोवेल बिफोर क्लास दे रीड एन आउटलाइन ऑफ द फाइल प्लॉट इंस्टेड, ठीक ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी जगह पे क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आप आराम से सोचिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। ए सिनॉप्सिस, ए सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार संग्रह, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटलाइन वर्ड है, देखिए क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे आपके पास में स्टूडेंट के पास टाइम, डोंट हैव टाइम टू रीड ए नोवल, नोवल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ आउटलाइन नहीं पढ़ेंगे, सार संग्रह पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ उनको ब्रीफ में पढ़ेंगे छोटा वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हेडलाइन ही पढ़ेंगे। तो आउटलाइन तो अलग चीज़ हो गया, तो यहाँ पे सिनॉप्सिस इसका सब्स्टिट्यूट बेस्ट होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है सार संग्रह। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ओवर प्लेयर्स वॉज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वर्स्ट वर्ड है, इसकी जगह पे अगर आपको सुटेबल लगता है कोई वर्ड तो ये कर सकते हैं, या नो इम्प्रूवमेंट भी इसका आंसर हो सकता है।
तो देखो आराम से, आपने देख लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ये वाला। यहाँ पे देखिए रोस्ट की जगह पे बैड लगाना है, क्योंकि देखिए रेदर जो है पहले ही यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज हो चुका है, रोस्ट सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। कंपेरेटिव के बाद में हमें क्या यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री है बैड रोस्ट वाय बैड रेदर रोस्ट, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। गुड बैड बेटर होता है, वैसे ही ये होता है बैड रेदर रोस्ट, तो यहाँ पे ये यूज होगा बैड, और बाकी का सेम, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गाइज आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आपके स्क्रीन पे फिट होने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, PQRS से है। आपको क्वेश्चन वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद इनमें से कौन सा आएगा सुटेबल, ये फर्स्ट है और ये लास्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे PQRS को अरेंज करना है आपको, ये आपको बता रहे हैं। तो अब देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रेलवे हैव लॉन्च्ड, देखिए आपको यहाँ पे पढ़ लेना, मैं इसको कर देता हूँ जैसे भी होगा। द रेलवे हैव लॉन्च्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब भी आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको क्या आना चाहिए, आप देखिए लॉन्च्ड वेयर, तो देखिए वेयर से तो स्टार्ट नहीं होगा। क्या लॉन्च किया है, एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आर आएगा। आप देखिए आर से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक ही है आपका आर से, तो आप सीधा इससे आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, सही आंसर है ये। बाकी हम पूरा बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे आर हो गया, उसके बाद देखिए पी आएगा, वेयर वन कैन फाइंड, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है रेलवे ने, वेयर वन कैन फाइंड, वहाँ पे कोई भी क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है। क्या फाइंड कर सकता है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6500 ट्रेन, 6500 से भी ज़्यादा ट्रेनों की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकता है ऑन ए गूगल मैप ऑन ए रियल टाइम बेसिस, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका आर पी एस क्यू सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द गिवन वर्ड इनटू एडजेक्टिव। देखिए आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जिसमें आपको वर्ड का फॉर्मेशन करवाता है, या तो एडजेक्टिव से कुछ नाउन बनवा लेगा, वर्ब से नाउन बनवा लेगा, नाउन से वर्ब बना लेगा। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आप देखिए एडजेक्टिव कैसे बनाना है, तो ग्लोरी वर्ड है आपका, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, ठीक है ना। ये नाउन फॉर्म है, तो ग्लोरी का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आराम से, आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लोरियस, ठीक है ना। एक तो ग्लोरी होता है, ये इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है ग्लोरियस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, फाइंड द प्लुलर वर्ड गिवन वर्ड, ठीक है ना। फाइंड करना है आपको, लोफ आपको दिया गया है, इसका प्लुलर बताना है ये। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, सारा ऑप्शन आपके पास में, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। सही आंसर गाइस इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, लोव्स, ठीक है ना, एल ओ ए वी एस। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए एफ हट जाएगा और वी ई एस लग जाएगा। तो इस तरह से प्लुलर बनाते हैं इसका, और प्लुलर के रूल भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो आप देख सकते हैं, पहले वाले जो वीडियो आप देखेंगे जो 11 प्रैक्टिस सेट है उनमें ही आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा आता है आपका, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनाओ और पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। क्या है, आई शुड हैव मीट हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे आपको बनाना है इसका, आप वीडियो पॉज करके आराम से बना देते हैं, मैं इसके बारे में आपको चर्चा करके आगे बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है हिम है, क्योंकि ये तो क्या है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है। यहाँ पे देखिए डबल आपके पास में हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सभी में ही है, शुड भी है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ही शुड। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैव है, ठीक है ना, जब भी हैज हैव होता है तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में चेंज करने पे हैव बीन या हैज बीन हो जाता है, तो हैव बीन है। अब ही के हिसाब से आपको लगाना है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ही हैव बीन, ठीक है ना, तो हैव बीन हो गया, हैव है, हैव बीन में चेंज हो गया, दोनों में चेंज हो रहा है। उसके बाद देखिए मीटिंग है, अब देखिए आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही आप ये क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा वी थर्ड आता है पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं, तो वी थर्ड मेट है ना कि मीटिंग है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें तो देखिए ये जो वर्ब ही है वही गलत है, तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा होगा, मैं इसको स्क्रीन पे फिट करने के लिए थोड़ा इसको जूम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही सैड आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, इसको चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ही सैड है तो आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से भी पहले का, इनके दो दिन पहले, तो यहाँ पे देखिए ही सैड दैट, उसके बाद में देखिए आई है, आई जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार ही हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो ये गलत है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, साहर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में है सा, यानी कि वी टू है, तो वी टू किस में बदलता है,
ये जो है पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो यहाँ पे हेड आएगा। पास्ट परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है? हेड है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हेड है, तो यहाँ तक ये दोनों चल रहे हैं। फिर सीन है हर है, हर है, फिर टू डेज बिफोर और एक द डे बिफोर यस्टरडे। तो जब भी आपका द डे बिफोर यस्टरडे आए तो इसको टू डेज बिफोर में चेंज कर देते हैं, तो ये आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा द डे बिफोर यस्टरडे आए तो हम किस में चेंज कर देते हैं, टू डेज बिफोर पे। सो गाइस ये था एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई समस्या रही हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप बेल आइकन को जरूर चेक करें, वहाँ से नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।